उधर लो फोकस करो ये दो 400 मीटर की दौड़ है, 400 मीटर की दौड़ है, थोड़ी मेहनत वाली है। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, थोड़ी मुश्किल है। अभी जाएगा, जो 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 अरे जाना है अभी। चार सौ मीटर की दौड़ है, थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी भी दौड़ गया सर। ओके, ये 400 मीटर की दौड़ थी। तो चलिए हम एकल विद्यालय के प्राथमिक प्रशिक्षण प्रमुख से बात करते हैं। हमारा एकल विद्यालय अभियान यह पंचमुखी शिक्षा का कार्य करता है। एक शिक्षा होता है बच्चों के प्रति, सार शिक्षा गांव के प्रति। पहला शिक्षा हमारा है प्राथमिक शिक्षा, जो बच्चों को शिक्षित करता है और शिक्षित के साथ हमारा बच्चों को संस्कारित करता है। यानी हमारे आजकल विद्यालय तो हर जगह हैं, बट इसको विद्यालय की आवश्यकता क्या थी? लेकिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी की सोच था वन टीचर वन विद्यालय। जहाँ विद्यालय नहीं है वहाँ पर जहाँ बच्चे वंचित हैं वहाँ विद्यालय नहीं पहुँच पा रहा है, तो स्वामी विवेकानंद का सोच था कि विद्यालय बच्चे तक पहुँचे या ना बच्चे विद्यालय तक पहुँचे। इस सोच को लेकर हमारा स्वामी विवेकानंद जी ने एकल विद्यालय को बच्चों तक पहुँचाना है, उसको वंचित लोगों को पहुँचाना है। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है, मैं अंचल ग्राम स्वराज योजना प्रमुख हूँ। हम लोगों का 180 विद्यालय इस रोहतास में चलता है और इसको हम लोग अधिक से अधिक समाज में 5 आयाम जो हम लोगों का चल रहा है उसको चाह रहे हैं कि हम लोग पूरा पहुंचाएं। और आज सारे लोग जानते हैं कि एकल विद्यालय क्या है, एकल ऐप हो गया है, एकल चैनल हो गया है और इसके माध्यम एकल चैनल भी चलता है जी। आपके संस्थापक मतलब संचालक आप ही हैं ना? संचालक हम लोगों के हैं पवन जी, पवन कुमार हैं, जो संचालक नहीं कहा जाता है उनका, वो प्रमुख के नाम से हम लोग होते हैं। जैसे कि उनका अभियान प्रमुख है, उसके बाद अभियान प्रमुख के बाद होता है कार्यालय प्रमुख, उसके बाद होता है शिक्षा प्रमुख, उसके बाद ग्राम स्वराज योजना प्रमुख होता है, उसके बाद ये धार्मिक कार्य जो देखते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर किस किस खेल की आयोजना की गई है? ये 5 तरह का खेल है, दौड़ है, उसके बाद कुश्ती है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है और कबड्डी है। ये 5 तरह का खेल हर साल होता है, पहले विद्यालय स्तर पर होता है, उसके बाद होगा, हो चुका है विद्यालय स्तर पर, इस संच स्तर पर हो रहा है, उसके बाद अंचल स्तर पर होगा, अंचल स्तर के बाद होगा संभाग स्तर पर, संभाग स्तर के बाद होगा केंद्र स्तर पर, वो केंद्र स्तर पर होकर बच्चों का जो भी ये होगा उन लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, उन लोगों को समाज में अच्छी श्रेणी दी जाएगी, उनको इनाम दिया जाएगा, उनको अच्छी सुविधा दी जाएगी, संगठन उनके पर अधिक से अधिक खर्च करेगा, समिति के लोग उनको समाज से बच्चे जो जीत कर जाते हैं वो जो जिला लेवल तक अगर जीतते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो उनको कुछ राशि अनुदान भी मिलती है, अनुदान राशि इनाम के रूप में। हाँ, इनाम के रूप में मिलता है, वो बच्चे वो विद्यालय ही स्तर से कुछ न कुछ उनको मिलता है। हम लोगों का समाज से कार्य, सामाजिक कार्य है, समाज से लेकर समाज में ही हम लेकर कार्य करते हैं हम लोग। तो यहाँ से बच्चे जो सिलेक्शन होंगे सिलेक्ट होंगे तो उनको कहाँ पर आप लेके जाएंगे? इनको हम अंचल स्तर तक ले जाएंगे, जिला स्तर के, जिला से चुनाएंगे तो उनको फिर प्रभाग स्तर तक ले जाएंगे, प्रभाग स्तर से चुनाएंगे तो केंद्र स्तर में जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। ये जो एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब है वो इनके प्रमुख हैं
यहाँ के, और ये बहुत ही अच्छा काम, सराहनीय काम किया जा रहा है कि बच्चों में जागृति पैदा की जा रही है कुछ करने की लाइफ में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में चाहे किसी भी क्षेत्र में। काफ़ी इन्होंने बताया अभी अभी कि काफ़ी क्षेत्रों में ये लोग काम कर रहे हैं और फार्मिंग के संबंध में भी काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ के बच्चों को और गार्जियंस को जागृत किया जा रहा है कि बच्चों को कुछ करने दिया जाए और उनको रोक टोक ना किया जाए। काफ़ी गार्जियन हैं जो रोक टोक भी करते हैं स्पोर्ट्स में भाग लेने से, खासकर लड़कियों के लिए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो गार्जियन लड़कियों को रोक टोक करते हैं कि लड़की होके तू दौड़ेगी खेलेगी जाके? आज लड़की हर क्षेत्र में है, सरकार भी उनको 33% आरक्षण दे रही है और हर जगह लड़की पायलट है, लड़की राष्ट्रपति है, लड़की रक्षा सेवा में है, मिलिट्री में भी है, फोर्स में भी है, पुलिस में भी है, अच्छे अच्छे पोस्ट पर है, तो लड़की क्यों नहीं दी? आज खेल के ही माध्यम से हम लोग खेल खेल में ही पढ़ाई भी पढ़ा देते हैं और खेल भी खिलाते हैं। आज हम लोगों का राष्ट्रीय स्तर का और विदेशों में हम लोगों का 1,00,000 से भी अधिक विद्यालय देश में भी चल रहा है और विदेश में भी चल रहा है। ये कोई मतलब गवर्नमेंट की संस्था है? नहीं, ये पूर्ण रूप से प्राइवेट है, ये संगठन है, ये जो है समाज का कार्य समाज में ही किया जाता है, पूर्ण रूप से सामाजिक है, नहीं ये है सरकारी है, नहीं है संगठन का, मतलब ये पूरी तरह से प्राइवेट संस्था है। जी हाँ। तो इसका मतलब जो भी अनुदान राशि आती है टीचरों को जो सैलरी दिया जाता है वो कहाँ से प्रबंध किया जाता है? ये समाज से किया जाता है, समाज के अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो अपना अनुदान देते हैं हम लोगों के अच्छे कार्य पर। जो 5 आयाम चलता है समाज में, जो अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम मुफ्त शिक्षा देते हैं, मुफ्त में उन लोगों का अच्छा ज्ञान देते हैं। हम लोग समाज से इसमें कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, समिति जुड़ी हैं, दोनों के सामंजस्य से हमारा कार्य चलता है। तो उससे बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने, आपको समझ में आ गया होगा अभी कि ये जो एकल अभ्युदय उत्त क्लब है ये क्या काम करती है। ये पूरी तरह से प्राइवेट संस्था है जो समाज के विकास के लिए कार्य कर रही है, पूरी तरह से समर्पित है। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से गुजारिश है, अनुरोध है कि आप अपने किसी भी बच्चों को, या लड़का हो या लड़की हो, उनको रोके नहीं टोके नहीं। अगर वो किसी भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है तो उसे पूरी तरह से छूट दे करने की, क्योंकि लड़की होने से ऐसा आप मत डरे कि लड़की होके दौड़ेगी, लड़की होके बाहर जाएगी। अगर आपकी तरह उनके गार्जियन भी सोचते, सुनीता विलियम्स की, कल्पना चावला की, इन सब की गार्जियंस भी ऐसे ही सोचते तो आज वो अंतरिक्ष में जा पाती, आज वो रॉकेट उड़ा पाती। कई सारी लड़कियां जो आज राष्ट्रपति है, लड़की है, प्रधानमंत्री लड़की बन चुकी है, आज बड़े बड़े पोस्ट पे लड़कियां हैं, अगर उनके गार्जियन आपके जैसा सोचते तो क्या वो आज वहां तक पहुंच पाते? और इसका भी बहाना ना बनाए कि ये तो कुछ जानती नहीं है, क्या करेगी, उसको मौका दो, पता नहीं किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका नाम क्या बताया था आपने? ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा व्यवस्था जो है ना मुझे पुअर लगा। नहीं नहीं, व्यवस्था देखिए, व्यवस्था जो है समाज से ही किया गया है और देखने से लग रहा है कि व्यवस्था ही है, व्यवस्था बहुत अच्छे तरह से है। हम लोग जो भी है संतुष्ट हैं उसे, लोगों में बहुत, बच्चों में उत्साह है, गांव के लोगों में उत्साह है, लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और जो है समाज से हमको सहयोग भी मिला है, तन मन धन से लोग हमारा सहयोग किए हैं और आशा करते हैं कि हम लोग इस कार्य में सफल भी होंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक बात और पूछनी थी, कबड्डी के जितने भी बच्चे मेरे पास आए थे और उन्होंने बोला कि सर आप प्लीज़ ग्राउंड में क्या बोलते हैं, क्रीच बनवा दो ना आप, क्योंकि वहाँ पर उनको खतरा लग रहा है, तो प्लीज़ ये आप एक काम कर दीजिए, ग्राउंड में ही बनवा दीजिए। ठीक है, देखते हैं। हाँ, खेल का आनंद लेते रहिए और देखते रहिए कि क्या क्या खेल हो रहा है और क्या क्या खेल खिलाया जा रहा है, और साथ साथ हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये बच्चों की दौड़ गड़बड़ा गई थी, फिर से इनकी दौड़ हो रही है, फिर से दोबारा करवाई जा रही है। कोई आगे निकल गया था, कोई पीछे निकला, सब भेड़िया धसान हो रहा है इधर। फिर से दौड़ेंगे ये लोग, जो पहली बार दौड़े थे वो रद्द कर दिया गया है। Oh!
हाँ जी।